आज हम बनाने वाले हैं मटन करी, वो भी कुकर में। इसके लिए मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा सरसों का तेल। ये होम स्टाइल बनेगी, ना ज़्यादा बुनाई और ना ही ज़्यादा मसाले मसूले, खाली तेल जलाना है हमें जैसे हम नॉर्मल तरीके से जलाते हैं। और इसके बाद मैं इसको जो है काटूँगा और उसके बाद फिर इसके अंदर मसाले और मटन डाल के भूनूंगा। तो हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, तो तेल की जो कड़वाहट है उसको निकालने के लिए मैं इसमें थोड़ा पानी का छींटा मारूंगा ताकि जो तेल की कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसको मटन बनाना चालू करते हैं। इसमें जाएगा थोड़ा तेज़पत्ता, जावित्री, इलायची, लौंग, दालचीनी और मोटी इलायची एक, साथ ही में जाएगा थोड़ा सा जीरा और मैं इसमें डाल दूंगा प्याज। ये 250 ग्राम प्याज है। और हम इस प्याज को ब्राउन करेंगे, हमें इस प्याज को ब्राउन करना है पूरा। ब्राउन करते ही मैं इसके अंदर जो है फिर मटन डाल दूंगा। ये प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब गैस हल्की करें और फिर उसके बाद उसमें मटन डालें। और हाँ, जब भी आप मटन लें, मटन की क्वालिटी ज़रूर देख लें। अगर बकरा आपका छोटा होगा तो उसके अंदर जो है सीटी कम लगेगी, और बकरा अगर आपका बड़े साइज़ का होगा तो उसके अंदर मैक्सिमम 5-6 सीटी तक भी लग सकती है। जैसे ये मेरा बकरा है, इसे छोटा बकरा है, तो मैं इसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 सीटी में ही ये गल जाएगा। अब मैं इसके अंदर डालूंगा जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा इसको भूनूंगा। इसमें थोड़ा पानी ज़रूर ऐड करें ताकि जो प्याज है वो गल जाए। अभी देख रहे हैं मैंने ना इसमें नमक डाला है ना ही कोई मसाला डाला है। अब मैं इसमें डालूंगा ये टमाटर। ये गया इसमें धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी देगी मिर्च कलरिंग के लिए, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और अब ये सब मसाले डाल के मैं अच्छी तरीके से भून लूँगा। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मुझे स्पाइसी पसंद है इसलिए मैं हरी मिर्ची डाल रहा हूँ चॉप, थोड़ा सा चॉप अदरक भी डाल रहा हूँ और भूनते टाइम ही थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रहा हूँ, क्योंकि धनिया जब आप भूनते हैं साथ में तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है कोई भी डिश आप बनाएं। अब मैं इसके अंदर डालूंगा 2 से 3 चम्मच दही, क्योंकि दही और मटन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बिना दही के मुझे मटन का मज़ा नहीं आता बनाने का, ना बनाने का ना खाने का। और अब थोड़ी सी इसकी भुनाई और होगी और इसके अंदर पानी डल के बस ढक्कन बंद 2 सीटी तक के लिए। देखिए हमारा जो पानी है वो सूख रहा है और मटन जो है अच्छी तरह हमारा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगा और इसको ढक्कन लगा दूंगा। ग्रेवी आपको जितनी आपको ज़रूरत है उतनी बनानी है, उतना पानी डालें। इसको बॉयल आ गया है, अब मैं इसको जो है कुकर बंद कर रहा हूँ। उसको प्रेशर देंगे हम दो सीटी देंगे हम इसको। तो चलिए हमारा कुकर वाला मीट जो है बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको खोलेंगे, इसमें डालिए थोड़ा सा हरा धनिया इस टाइम पे। ये देखिए ओए होए 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 क्या मीट बना है। इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको थोड़ा सा हिला लें और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये गया थोड़ा सा हरा धनिया और ये हमारा कुकर वाला मीट तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मेरी ID है chef.anirudh80। तो थैंक यू।